हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव के रेसिपी और साथ में सूखी लहसुन की चटनी यानी कि ड्राई गार्लिक चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बटाटा वड़े के लिए बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए इधर मैंने 3/4 का 3/4 बेसन लिया है। बेसन थोड़ा छान लेंगे। बेसन में मैं 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इससे वड़ा का आउटसाइड क्रिस्पी होगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। 1 चुटकी बेकिंग सोडा, ज़्यादा ना डाले, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 1/4 टीस्पून हल्दी। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छा से मिक्स करना है। एक थिक बैटर हम बनाएंगे, पोडिंग कंसिस्टेंसी, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। और थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, एक साथ में ज़्यादा पानी ना डालें। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छा से मिक्स करना है हमें। ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, पुडिंग कंसिस्टेंसी, और ठीक इसी तरह ये देखिए ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं। बैटर के लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया था, 120 ml, पूरा 1/2 कप पानी लग गया मुझे। तो चलिए अभी हम स्टफिंग बनाएंगे। अभी हम आलू के स्टफिंग बनाएंगे। इधर मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है 500 ग्राम्स। हाथ से हमें आलू स्मैश करना है, बहुत अच्छा से स्मैश नहीं करना है, इसमें आलू का छोटे छोटे पीसेस होना चाहिए। आलू आप ग्रेट ना करें, हाथ से स्मैश करना है। चलिए आलू मैंने स्मैश कर लिया है। 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ, फ्लेम मीडियम पे रखें। 1/2 टीस्पून काला सरसों मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स। जीरा और सरसों में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। इधर मैंने 7 से 8 करी पत्ता लिया है, रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। दो तीन मिनट फ्राई करना है, थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर चला जाए अदरक लहसुन का। सब तक फ्लेम मीडियम पे रखना है। अभी 1/4 छोटे चम्मच 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर। अभी जो आलू हमने स्मैश करके रखा ये डाल देंगे। नमक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डालें। हमने बैटर में भी नमक डाला है, इसी हिसाब से आप नमक डालें। 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून हरा धनिया कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबल स्पून हमने सब कुछ डाल दिया है। अभी हमें अच्छे से मिक्स करना है। गैस भी बंद कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करके हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, दूसरा प्लेट में ट्रांसफर करके। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा साथ रहिए। स्पैचुला का बैक साइड से थोड़ा सा आलू स्मैश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टफिंग एकदम ठंडा हो गया है। अभी हम मीडियम साइज नींबू का साइज का बॉल बनाएंगे। देखिए आलू का पीसेस है, इसमें ज़्यादा स्मैश नहीं करना है, क्योंकि जब पटाटो वड़ा मुंह में आएगा ना, आलू का पीसेस भी आना चाहिए।
पाव में डाल के खाना है उसी हिसाब से आप साइज बनाएं। ये देखिए इसी तरह सेम साइज का ही बनाना है हमें। सब रेडी कर देती हूँ इसी तरह। बड़ा फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। 9 पीसेस बड़ा मैं बना रही हूँ, जितना आलू लिया उसी हिसाब से। अच्छे से डीप करना है बैटर में, इसी तरह डीप करना है अच्छे से। इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और फ्लेम मीडियम पे ही रखा है तेल गरम करने के लिए। थोड़ा सा बैटर डाल के हम चेक कर लेते हैं तेल गरम हो क्या क्या नहीं। बैटर ऊपर आ गया, इसका मतलब भी हम बड़ा फ्राई कर सकते हैं। एक बैच में हमें ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा करके तेल ऊपर डाल देते हैं। अभी हमें दूसरा साइड टर्न करना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे रख के हमें पटाटा वड़ा फ्राई करना है, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक बैच हमारा फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस में सेकेंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो इससे थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का भी फ्राई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लाइट पसंद है तो लाइट फ्राई कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। इसे भी हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। बड़ा फ्राई करने का बाद एक्स्ट्रा बेसन है, इसका हम अभी लच्छा बनाएंगे लहसुन के चटनी का साथ खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने राइस फ्लावर डाला है, चावल का आटा, और भी क्रिस्पी बनेगा। चलिए फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। इधर मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, अभी हमें हरी मिर्च फ्राई करना है और ये तीखा नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह बड़ा साइज का हरी मिर्च लेना है, इसे छुरी का ए साइड से हमें स्लिट करना है। हरी मिर्च कभी भी आप फ्राई करोगे ना, थोड़ा सा स्लिट कर लीजिए, नहीं तो ये फटता है तेल में जाके। ये देखिए इसी तरह मैंने 2 ही हरी मिर्च लिया है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। डायरेक्ट तेल में नहीं डालेंगे, इसी तरह स्ट्रेनर में रख के फ्राई करेंगे। हो गया, हम गैस बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अभी हमें मिर्च में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काला नमक डालना है, जैसा रोड साइड में मुंबई में डालते हैं ना, ठीक उसी तरह। अभी हम लहसुन के सूखी चटनी बनाएंगे और ड्राई गार्लिक चटनी। तो इधर मैंने 40 ग्राम स्पिनर्स ले लिया है और ये स्किनलेस स्पिनर्स है, इसमें छिलका नहीं है। हल्का सा रोस्ट करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें। स्पिनर्स रोस्ट हो गया है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। 50 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, फ्यू सेकेंड्स रोस्ट करना है। ये देखिए पैन गर्म था इसीलिए 3-4 सेकेंड में रोस्ट हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। इधर मैंने 8 लहसुन लिया है, गार्लिक क्लव्स और छिलका का साथ ही लिया है। देखिए हम स्किन बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, इसका साथ ही हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। आप चाहो तो सूखा नारियल लेके भी ग्रेट कर सकते हो, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूढ़ा का ले रहे हो तो। 2-3 मिनट हम लहसुन फ्राई कर लेते हैं। लहसुन भी रोस्ट हो गया है, ये देखिए
स्किन का कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बस इतना ही हमें रोस्ट करना है। इधर मैंने 8 पीसेस तीखा मिर्च लिया है, स्पाइसी रेड चिली और 2 कश्मीरी रेड चिली लिया है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप मिर्च ज़्यादा ले सकते हो, हम लोग स्पाइसी थोड़ा कम खाते हैं। और मैं कम क्वांटिटी का बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी का लहसुन का चटनी इसी तरह बना के ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। 3 to 4 weeks आराम से रहता है, ख़राब नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम का लिए रखना चाहते हो तो आप फ्रिज में रखें, नॉर्मल फ्रिज में। मिर्च का भी हम कलर नहीं चेंज करेंगे, मिर्च भी हो गया, हमारा पैन गर्म है इसलिए जल्दी जल्दी सब रोस्ट हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। जितने इंग्रेडिएंट्स हमने ड्राई रोस्ट किया है एक एक करके हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। सबसे पहले मैं पीनट्स ले रही हूँ, साथ में ग्राइंड ना करें ठीक से ग्राइंड नहीं होगा। तो पीनट्स में सबसे पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। पीनट्स मैंने ग्राइंड कर लिया है, हमें दरदरा से पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है और रुक रुक के चलाए, ऑन ऑफ करके मिक्सी चलाए। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरा था, इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह दरदरा से हमें पीसना है। अभी हमें लहसुन ग्राइंड करना है, देखिए एक भी लहसुन का छिलका नहीं है, अच्छे से ग्राइंड हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और एक तीखा लाल मिर्च, साथ में हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। 1/2 टेबल स्पून में कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो स्किप करें, क्योंकि इसमें जो पीनट्स और डेसिकेटेड कोकोनट है, लाल मिर्च हमने डाला है, तो इसमें कलर थोड़ा हल्का सा लाइट कलर होगा, इसलिए एकदम लाल कलर का भी हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। तो अभी हमें ये सब ग्राइंड करना है दरदरा सा। चलिए चटनी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से कितना अच्छा सा कलर आया है। इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी का लहसुन का सूखा चटनी बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। चटनी हमारा रेडी हो गया, वड़े भी हमने बना लिया, हरी मिर्च फ्राई कर लिया, लहसुन के सूखे चटनी बनाया और बेसन का लच्छे भी बना लिया। तो चलिए अभी हम पटाटा वड़ा असेंबल करते हैं। इसी तरह हमें पाव लेना है और इसे हमें बीच में से कट करना है। इसी तरह कट करना है, हाफ कट करना है और इसमें डालना है सूखे लहसुन की चटनी। इसी तरह बड़ी भी रखते थे। चलिए अभी प्लेट में रखते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।